अलैकुम। अच्छा, ये आप इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, ये आप देख रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी की बहुत जो है यहाँ पे पुलिस एफसी यहाँ पर एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और उसके साथ साथ वकला की तादाद भी यहाँ पर मौजूद है वहाँ पर, वो भी आपको हम दिखाते हैं इस वक्त। आप देख रहे हैं इस वक्त ये शाहराह दस्तूर के मनाजिर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर जो है टोलियों की सूरत में जो वकला हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। रेड जोन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त वकला यहाँ पर मौजूद हैं और वकला ये आ रहे हैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए। वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। ये हैं वो मनाजिर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज़म सवाती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जी ये आप देख रहे हैं इस वक्त मनाजिर। मौत को जो शेर की मौत वो कला ने हमेशा जो है वो आइन के हवाले से राजनीतिक गवर्नमेंट में भी उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ठीक है, और भी कई ऐसे अदवार है जहाँ पे वो कला की तहरीकें चलाई गई। आप भी कोई एक मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं क्या? ये आप देख रहे हैं इस वक्त मनाजिर, मुल्क दस्तूर और कानून की अहमियत के साथ खड़ा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त प्ले कार्ड्स उठाए जो है अपना वकला यहाँ पर मौजूद हैं, और आज़म सवाती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी यहाँ पर वकला रहनुमा या तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी तो ये आप इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को सारे मीडिया ने देखा, सारे पाकिस्तान उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो मेरी मीडिया वालों से पिछले आज़म सवाती साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त अभी वकला जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी वकला यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पहुँचना है। आगे जाके खेल रहे हैं, ये आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं। ये MNA सालेह साहब ही यहाँ पर मौजूद हैं, साले भाई क्या कहते हैं आज? इंशाल्लाह आज हमें कि आज का सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह और पूरी कौम 22-23 को आवाम की आज आखिरी उम्मीद पर है, और इंशाल्लाह मुकम्मल यकीन है कि आज का सुप्रीम कोर्ट को और आज का ये बेंच का फैसला आईन और कानून के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। सर क्या कहते हैं आप, चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है? कोई दबाव नहीं मेरा भी, अगर चीफ साहब आयन और कानून के साथ खड़े रहेंगे तमाम पूरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। दबाव किस बात का है? राणा सनावला साहब रहा है, नहीं वो राणा सनावला साहब कह रहे हैं कि हम रेफरेंस दायर कर देंगे, जो मर्जी कर ले। इस वक्त जो केस उनके पास मौजूद है उसका फैसला उन्होंने करना है, और इंशाल्लाह ताला वो आयन और कानून के साथ खड़े हैं, और हम बुकला और पाकिस्तानी पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान सिर्फ राणा सनाउल्ला का नहीं है, ये 22-23 को आवाम का पाकिस्तान है। आज मैं पूरे लहर्स को सलाम पेश करता हूँ कि आज यहाँ पे पहुँचे आज़ाद आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के कानून के साथ खड़े हैं। साथ ये आपने देखा।
देखा सुना साले आफरीदी साहब और बुकला की जो गुफ्तगू है वो हमने आपको सुनवाई। तो ये ताज़ा तरीन मनाजर हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं शाहराए दसूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, ये आप मनाजर देख रहे हैं इस वक्त। तो वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं आ रहा था रास्ते रास्तों में भी मुझे वकला का टोलियों की सूरत में वकला यहाँ पर पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहारी यकजहती के लिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को के ऊपर दबाव है, जिस तरह से जो सूरत हाल बनी हुई है, जो मामलात बने हुए हैं, तो आप देख रहे हैं ये तमाम तर सूरत हाल है इस वक्त। यहाँ पर वकला एक तादाद मौजूद है यहाँ पर, और भी वकला यहाँ पर जो है टोलियों की सूरत में यहाँ पर आ रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती कर रहे हैं। और इनका एक ही मुतालबा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं और हम जो है उनको इस तरह से नहीं जाने देंगे और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये हुकूमत चाहे जो भी जिस तरह के भी हथकंडे इस्तेमाल करें, मगर हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे वकला का एक ग्रुप यहाँ पर भी आ चुका है, ये गुजरांवाला से यहाँ से एक ग्रुप आया है वकला का। ये आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं, ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है शाहराए दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सूरत हाल बड़ी यहाँ पर वाज़े है और पुलिस की भी सिक्योरिटी यहाँ पर, पुलिस भी हाई अलर्ट है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अलर्ट हैं। एक ही जो है प्ले कार्ड उन्होंने उठाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है मुल्क का जामिन दस्तूर और कानून। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वकला की एक तादाद यहाँ पर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये आप देखें कि दूसरी तरफ से पुलिस एफसी की भी एक जो है और रेंजर्स की भी एक तादाद यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने सिक्योरिटी संभाली हुई है। अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके। आप देखें कि यहाँ पर एफसी और पुलिस और रेंजर्स के नौजवान भी यहाँ पर तैनात किए हुए हैं। बख्तरबंद यहाँ पर आई हुई है, वाटर कैनन जो है गाड़ी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तमाम तर मनाजर हैं आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं। ये मनाजर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से, वकला पुरजोश हैं, वकला जो है अपना इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। जिस तरह से कॉल दी गई थी कि वकला की तरफ से कि वो अगर हुकूमत कोई इस तरह का करती है कोई, और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो वकला जो बिरादरी है वो खड़ी हो गई है और अब अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँची है। तो ये वो ताज़ा तरीन मनाजर हैं जो हमने आपको दिखाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।